मुस्लिम तो सब कोई होते हैं, लेकिन हम उतना भावना नहीं रखते हैं। सब कोई भाई मिलके ही रहना चाहिए कि इसमें कोई विवाद ना हो। हम देखें कि मेरे गांव में ये बीमार हैं, इसलिए हम इसको देखें कि बहुत नाजुक स्थिति है इसका, इसके लिए लड़ना पड़ेगा हम लोग को। बहुत अच्छे से इसके साथ हम लोग गए, सिलीगुड़ी गए, उसके बाद फिर साथ में दिल्ली गए, तो इसका साथ हम लोग देते आ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ये हैं हाफिज अंजर आलम, जो किशनगंज जिला के बेलगछी बैगना से ताल्लुक रखते हैं। अभी हाल ही में इनके साथ एक ऐसा दर्दनाक हादसा पेश आया जो किसी का भी दिल दहला सकता है। हाफिज अंजर हैदराबाद की एक मस्जिद में इमामती के साथ साथ एक छोटी सी दुकान भी चलाया करते थे। एक दिन अचानक कुछ बदमाशों ने उन्हें जबरन हार्पिक पिला दी। फिर क्या था, हाफिज अंजर जिंदगी और मौत के बीच जूझने लगे। दोस्तों, हालांकि अब हाफिज अंजर की तबीयत बेहतर है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से वो बोल सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको उनकी आवाज समझने में दिक्कत हो रही हो तो हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। इन सबका बहुत कुर्बानी है और भी सबका भी कुर्बानी है, लेकिन ख़ास तौर से हॉस्पिटल के अंदर दानिश मामू, अजय मामू और इंतहा मामू, इन सब बहुत कुर्बानी दी, वहाँ साथ रहे। उसके बाद फिर पहले मरतबा दिल्ली गए थे, वापस आ गए थे, फिर दूसरी मरतबा सिलीगुड़ी गए, फिर सिलीगुड़ी डॉक्टर ने फिर दिल्ली भेजा, तो वहाँ दिल्ली में दानिश मामू बहुत साथ दिए। उसके बाद इंतहा पूरे जो है पैसों का बंदोबस्त जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब किया। उसके बाद अभी इलाज जो चल रहा है, और वो डॉक्टर निखिल अग्रवाल वो भी अपना ऑफिस ने लिया, बहुत वो भी मदद किया समझो, तो अभी भी इलाज चल रहा है। अभी जो है सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी है अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है दानिश मामू के, अजय मामू कर्मकार के और इंतहा मामू की है और आप सभी का है। यह बहुत बहुत अल्लाह का शुक्रिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं चल रहा हूँ, पेशाब पखाना जा रहा हूँ और थोड़ा बात भी कर रहा हूँ आप सभी के सामने। ये आप सभी का मेहनत है और अल्लाह का जो है शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आप सभी का शुक्रिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह सभी आ रहे हैं, जैसे MLA साहब आए, तो सिर्फ MLA साहब आए वो भी आए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे मुखिया साहब है वो भी आए, प्रमुख साहब है वो भी आए, मेंबर साहब वो भी आए, और अभी हमारे सामने MLA साहब जो है बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब आए, और डॉक्टर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मरतबा आए और साथ भी दिए, फ़ोन भी किए दिल्ली के, दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह अभी दानिश मामू भी बाजू में है और भी बहुत सारे हजरात अल्हम्दुलिल्लाह आए, लेकिन मैं नाम इतना बता नहीं सकता जी। और कुछ कहना चाहते हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया उसका कि दिल्ली में भी मेरे साथ कमरे में ही रहा, जब हम पेशाब को जाते थे लेके जाते थे, पखाना को जाते थे लेके जाते थे, ये साफ करते थे, जो ऑपरेशन हुआ मेरा, ये जो ऑपरेशन हुआ इसको साफ करते थे, पट्टी उट्टी लगाते थे, खाना खिलाते थे पाइप के ज़रिए से, बहुत कुर्बानी दी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसके कारोबार में, उसकी रोज़ी रोज़ में बरकत अता फरमाया। अभी भी वो साथ है और साथ यहाँ तक कहता कि एक ऑपरेशन हुआ है और दूसरे तक हम साथ रहेंगे और ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, जब तक हम ये नहीं करा देंगे तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे, ये और इंतहा मामू और दानिश मामू। देखिए, हिंदू मुस्लिम तो सब कोई होते हैं, लेकिन हम उतना भावना नहीं रखते हैं। सब कोई भाई मिलके ही रहना चाहिए कि इसमें कोई विवाद ना हो। हम देखें कि मेरे गांव में ये बीमार हैं, इसलिए हम इसको देखें कि बहुत नाजुक स्थिति है इसका, इसके लिए लड़ना पड़ेगा हम लोग को। बहुत अच्छे से इसके साथ हम लोग गए, सिलीगुड़ी गए, उसके बाद फिर साथ में दिल्ली गए, तो इसका साथ हम लोग देते आ रहे हैं। किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया, तो मैं सबसे पहले अगर सैल्यूट करूंगा तो वो अजय और इंतखाब दानिश, जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है, जो भी हाँ अजय है, मतलब अभी वो नहीं है यहाँ पे। आज इन लोग, इनको इलाज हुआ या सोशल साइट में वायरल हुआ, तो और पूरा फुल्ली अगर क्रेडिट जाता तो इन दोनों को ही जाता है जी। बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है, लेकिन जो अगर सबसे ज़्यादा मेहनत किया है तो ये दोनों ने किया। अगर मैं आया था, मैं तो बहुत बाद में आया,
मुझे इंतखाब दानिश ने बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव भी हैं और पहले दिल्ली में रहा है, जानते हैं, तो हम ऐसे देखने गए थे। अगर हम उनका उस वक्त देखे कि ये दोनों बच्चा जब वहाँ से लेके पूरा बिहार घूम के आया और दिल्ली में इतना जज्बात है, तो इसके जज्बात को क्यों ना सलाम करें और क्यों ना इसको आगे बढ़ाएं। बस इसी के साथ कि ऐसे ही आगे कार्यक्रम करते रहे, और हम उन युवाओं से बोलें कि ठीक है सब चीज़ करें, लेकिन उन युवाओं को आप तारीफ़ करें जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आज की देखने में ही आ रहा है कि आज हम जैसे यहाँ के ग्रामीण लोगों से हम सुन रहे हैं कि हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी कि अंजार साहब वापस से ज़िंदा यहाँ आएंगे।